मौलाना इब्राहिम सईद के बयानात के लिए इब्राहिम सईद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने फरमाया, मैंने जुल्म अपने ऊपर भी हराम करार दे दिया, लिहाजा आप भी एक दूसरों पर जुल्म ना करें। आज हमारे माशे पर आप गौर करें ना, बस जिसका जो भी बस चले, ये नहीं देखता कि जी ऊपर वाला देख रहा है, ये नहीं देख रहा कि जी किसी का हक है या किसी का हक दबा रहा हूं या किसी का हक मैं ऐसे ही जाया कर रहा हूं। बस ये जहन्नम जो है ना, ये फुल हो जाए। और याद रखें, ये जहन्नम कभी भी फुल नहीं होती। आप डालते जाएं इसमें, डालते जाएं। और यकीनन ये जो माशरा बिगड़ गया ना, ये सारे इसकी वजह से। इसको आप नॉर्मल छोड़ें तो कभी कोई बेहयाई नहीं होगी, कोई ज्यादती नहीं होगी, कोई जुल्म नहीं होगा। लेकिन जब ये हद से ज्यादा आप इस टैंकी को फुल कर दो ना, तो बस हर तरफ ज्यादती ही ज्यादती, जुल्म ही जुल्म, जिना ही जिना। आप देखें ना आजकल हमारे माशरे में, नौजवान तो दूर की बात है, अब तो बूढ़े भी माशाल्लाह एक कदम आगे जा रहे हैं। और यकीनन आप भाइयों के सामने वो वीडियो वगैरह सोशल मीडिया पर आ चुकी हो, कितनी शर्म की बात है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे लोग हमारे लीडरशिप कर रहे हैं, ऐसे लोग मुसलमानों के कायद हैं, मुसलमानों के लीडर हैं। अरे वो मुल्क जिसके लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी, जिसके लिए अपना जान, अपने माल, अपने बच्चों को कुर्बान किया, तकलीफें बर्दाश्त की, मुशक्कतें बर्दाश्त की, आज उसी मुल्क के अंदर जो हुक्मरान है उसका ये हाल है, तो अवाम का क्या हाल होगा? आप खुद सोचे ना, अवाम का क्या होगा? और इस उम्र में ये हो रहा है तो नौजवान का क्या होगा? अल्लाह रहम फरमाए। और कुछ नहीं कहूंगा, इंतहाई शर्म की बात है, इंतहाई अफसोस वाली बात है। अगर ये कोई और गरीब होता तो यकीनन कानून हरकत में आ जाता, फला दफा इसकी खिलाफ वर्जी हुई, इसके खिलाफ वर्जी। अब ये जो हो रहा है, इसने किसके खिलाफ वर्जी की? अरे बाबा, इसने तो कुरान के खिलाफ वर्जी की। क्या इसके लिए कोई कानून हरकत में नहीं आ रही? और यकीनन ऐसे लोग जो ये अमल कर रहे हैं, तो क्या ये नहीं सोचते कि ये भी बेटियों वाले हैं, इनके घरों में भी बेटियां हैं, इनके घरों में भी पोती नवासियां वगैरह, बांझियां भतीजी वगैरह, ये नहीं सोचते? ये आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इनके यहां आजादी का यही मकसद कि जी हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी तो इसलिए दी कि हम आजादी के साथ बेहयाई करें, आजादी के साथ फहाशी करें और दूसरों पर सिर्फ उंगली उठाए कि जी वो देखें हमारे माओ बहनों को नचा रहा है। आप हमारे माओ बहनों को जो मोबाइल पे बिल्कुल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, अरे बाबा एक उंगली दूसरी की तरफ तो चार उंगलियां अपनी तरफ भी आती है, चार उंगलियां अपनी तरफ भी आती है। इसलिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो जमीन वालों पर रहम करता है अल्लाह करीम उस पर रहम करता है, जो जमीन वालों पर रहम नहीं करता उसके साथ भी रहम का मामला नहीं किया जाता। अल्लाह ने अस्खुद फरमाया, मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम किया, ए इंसानों तुम भी आपस में एक दूसरे पर जुल्म ना करो, ये जुल्म है, जुल्म, इसे जुल्म कहा जाता है, इसे जुल्म कहा जाता है।
तो खुदा रा इन चीजों से बाज आ जाए। और यकीनन मैं तो यही कहूंगा कि तौबा इस्तगफार, मैं तो ये नहीं कहता, हम सारे गुनाहगार हैं, सारे बशर हैं, गलतियां हर किसी से होती हैं, कोई भी गुनाहों से पाक नहीं, सिर्फ अंबिया किराम की जमात जो मासूम है, जिनकी हिफाजत अल्लाह फरमाया करते थे, बाकी सबसे गलतियां होती हैं, ऊंच नीच होती रहती है। लिहाजा होना ये चाहिए कि अपने किए हुए पर इंसान नादिम हो जाए, शर्मिंदा हो जाए, अल्लाह से माफी मांगे और आइंदा ना करने का पुख्ता आजम कर ले। तो इसलिए अल्लाह करीम ने फरमाया अर्रहमानिर रहीम, आम मेहरबान दुनिया के एतबार से हर किसी पर और उसके मुनासिब, अर्रहीम खास मेहरबान आखिरत में सिर्फ मोमिनों पर।